में युवती की मौत बदली हत्या में। उज्जैन समाचार। 15 नवंबर को बड़नगर बाईपास पर मिली 30 वर्षीय स्वाति भट्ट की मौत हादसे से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी सुपारी देकर हत्या करवाई गई थी। पुलिस ने यह खुलासा बुधवार को किया। हत्या की सुपारी देने वाला कोई और नहीं स्वाति का दोस्त निकला, जिसके खिलाफ उसने कुछ साल पहले रेप का केस दर्ज करवा कर उसे जेल भिजवाया था। पुलिस ने हत्या में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सचिन अतुलकर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 15 नवंबर को स्वाति भट्ट की हादसे में मौत नहीं हुई थी, बल्कि साजिश के तहत उसकी हत्या की गई थी। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि स्वाति का दोस्त सुखविंदर खनुजा ही है। 15 नवंबर को सूचना मिली कि एक युवक घायल अवस्था में एक युवती को अस्पताल छोड़कर गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो युवती दम तोड़ चुकी थी। जांच में पता चला कि मृतका स्वाति भट्ट है, जिसे सुखविंदर खनुजा ने अस्पताल पहुंचाया। स्वाति ने 2014 में सुखविंदर खनुजा पर बलात्कार का रेप लगाते हुए उसे जेल भिजवा दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया और सुखविंदर जेल से बाहर आ गया। सुखविंदर ने लॉज निवास 20 वर्षीय मैजिक चालक वाहिद ने बताया कि स्वाति की हत्या के लिए 1,00,000 की सुपारी दी गई थी। सुखविंदर ने इंदौर निवासी पंकज से सौदा तय किया। इस पर पंकज ने पत्नी उमा और संजय को अपने साथ बाइक पर बिठाया, जबकि वहीद और समीर मैजिक गाड़ी से निकले। इन्होंने 15 नवंबर को स्वाति को इनर रिंग रोड पर बुलाया और मारपीट कर उस पर मैजिक गाड़ी चढ़ा दी। पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट। शुरू से ही आप सबके भी संज्ञान में था, ऐसी आ रही थी कि घटना संदिग्ध थाना महाकाल में इसमें मर्द कायम किया गया और क्योंकि मैपुर केस का तो एफएसएल और जो हमारे अधिकारी सबने घटना स्थल विजिट किया, पीएम की वीडियोग्राफी कराई गई, पैनल से पीएम कराया गया, तो ये सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का इसमें शुरू से ध्यान रखा गया। और क्योंकि इसमें पूर्व में 2015 जानिका द्वारा एक प्रकरण खनुजा के खिलाफ दर्ज कराया जा चुका था, 376 का, तो इस महिला की हत्या वाहन से चोट पहुँचाकर की गई। इसमें प्रथम दृष्टया दर्शाने का प्रयास किया था कि एक एक्सीडेंट का प्रकरण, किंतु घटनास्थल के पास एक ढाबा है, उसके संचालक का महिला से काफ़ी समय से विवाद चल रहा था, वो प्रकरण संदिग्ध था। उसकी जांच पुलिस ने गंभीरतापूर्वक करी और इसमें सामने आया है कि ढाबा संचालक ने षड्यंत्रपूर्वक इंदौर से अन्य आरोपी बुलाकर वाहन से चोट पहुँचाकर इस महिला की हत्या की। पुलिस ने 2 आरोपी इसमें गिरफ्तार कर लिए, बाकी भेजना चाहिए। सर, क्या कारण क्या रहा है? मुझे कारण ये रहा है, 2015 में पूर्व में महिला द्वारा एक प्रकरण मुख्य आरोपी के विरुद्ध दर्ज कराया था और उसके बाद से ही लगातार दोनों का विवाद चल रहा था। तो उस विवाद से परेशान होकर जो मुख्य आरोपी इसके द्वारा षड्यंत्र करके इसके हत्या की। क्या प्रकरण क्या दर्ज कराया था? प्रकरण जो 2015 में हुआ था 376 का प्रकरण दर्ज कराया था और आरोपी का पूछताछ में सामने आया कि उसके बाद से लगातार महिला उसके संपर्क में थी, उससे वो परेशान था, उसको लेकर उसने कदम। ये जो मुख्य आरोपी है किसी दल से भी जुड़ा हुआ था? पुलिस ने इस संबंध में जानकारी प्राप्त की है। पुलिस ने प्रकरण विशेष में जो साक्ष्य है उसके अनुसार से कितने की सुपारी दी थी? इसमें जो राशि सामने आई है पूछताछ में, वो 1,00,000 रुपए की थी, जिसका पेमेंट मुख्य आरोपी द्वारा अन्य आरोपी किया। कहाँ की गैंग है जिसको? ये जो गैंग है इसमें मुख्य आरोपी जिला उज्जैन का ही है, अन्य आरोपी जिला इंदौर।